अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ असद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी टेक ब्लॉगर। सो कैसे हैं आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ये वीवो Y21 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। आज की वीडियो में हम इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग देखेंगे और जो इनिशियल रिव्यू है इस फ़ोन के बारे में मेरा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाई उमर मोबाइल शॉप। इनके पास आपको पाकिस्तान में आने वाली तमाम कंपनीज के ब्रांड न्यू एंड यूज फोन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फ़ोन इंटरनेशनली आते हैं लाइक आईफोन्स, सो वो भी आपको ब्रांड न्यू एंड यूज बोथ कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके पास यूज्ड एंड ब्रांड न्यू फोन्स की वाइड रेंज अवेलेबल है, और इसके अलावा फोन्स की एसेसरीज, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स वगैरह सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। सो इनकी जो डिटेल्स और जो इनका फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इनके नंबर पर कॉल, मैसेज और व्हाट्सअप करके आप इनसे मजीद डिटेल ले सकते हैं। सो वीवो Y21 का बॉक्स ये आ जाता है हमारे पास। प्लेन वीवो स्टाइल में ये बॉक्स है, Y21 ऊपर मेंशन किया गया है, और ये वेरिएंट 4GB रैम एंड 64GB वेरिएंट के साथ आता है। यहाँ पर हमें PTA अप्रूव्ड होने का स्टिकर मिल जाता है बॉक्स के ऊपर, और बॉक्स की बैक साइड पे हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिसमें इसके की फीचर यहाँ पर मैंशन किए गए हैं, जिसमें आ जाता है 8.0mm की ट्रेंडी स्लिम डिज़ाइन, जो कि ऑब्वियसली वीवो के फ़ोन्स इंतहाई स्लिम होते हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी विद 18W ऑफ फास्ट चार्जिंग एंड 4GB प्लस 1GB एक्सटेंडेड रैम। यहाँ पर 4GB की तो रैम आपको मिल ही रही है, इसके साथ आपको 1GB की एक एक्सटेंडेड रैम मिल रही है जो कि यूज़ हो सकती है। सो इन टोटल यहाँ पर आपको 5GB की रैम देखने को मिलेगी। सो अब अनबॉक्स करते हैं इस फ़ोन को। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसकी प्लास्टिक रैपिंग को। सो यहाँ से हम लिड ओपन करते हैं। सो सबसे पहले ऊपर हमें वीवो का यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है, जिसमें डिफरेंट आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगी, जिसमें TPU केस है, आई थिंक कुछ पेपर वर्क मिल जाता है जो कि आई थिंक वारंटी कार्ड वगैरह होगा, और एक TPU केस मिल जाता है इस फ़ोन के लिए। इसके बाद ऊपर हमें मिल जाता है हमारी डिवाइस, जो कि इस तरह की प्लास्टिक रैपिंग में आती है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास फ़ोन। बैक से आप कुछ देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास यहाँ डिज़ाइन आता है। वीवो के फ़ोन्स नो डाउट अपने डिज़ाइन की वजह से ही बिकते हैं, और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं इनके डिज़ाइंस को। यहाँ पर ये कुछ हमें ग्लास टाइप बिल्ड मिल जाती है, आई एम नॉट श्योर कि ये ग्लास है या प्लास्टिक है, लेकिन लुक और जो वाइब इससे आ रही है वो यहाँ पर हमें ग्लास की ही मिल रही है। सो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक पे डायमंड कट डिज़ाइन मिल जाता है, क्योंकि वीवो V20 और V20S से इंस्पायर्ड है और उसी का सक्सेसर है ये फ़ोन। सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। जल्दी से इस फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं। बाय द टाइम ये फ़ोन टर्न ऑन हो रहा है, हम इसके मजीद बॉक्स कंटेंट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास IME स्टिकर मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में हमें 18W का वीवो का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और अगर केबल हम चेक करते हैं तो येस, यहाँ पर हमें फाइनली Type-C की केबल मिल रही है। एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर आपको बॉक्स में मिल जाती है। सो फोन यहाँ पर टर्न ऑन हो गया है। अगर बात करें हम प्राइस की, सो पाकिस्तानी मार्केट में वीवो Y21 की जो प्राइस है वो 28,000 रखी गई है, और ये बेसिकली मेन इसका जो टारगेटेड ऑडियंस है ऑफलाइन मार्केट है ज़्यादा, जिन्होंने जस्ट छोटा मोटा कॉन्टेंट कंज्यूम करना है और अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए। सो उस हिसाब से फ़ोन अच्छा है। 28,000 की प्राइस में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर्स भी हमें मिलते हैं। मैं जल्दी से फ़ोन को सेटअप कर लेता हूं, और फिर मेरा जो इनिशियल रिव्यू है और जो छोटी मोटी इसके की फ़ीचर्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फ़ोन हमारे पास यहाँ पर फाइनली सेटअप हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के थोड़े से डिज़ाइन की। सो फ्रंट पे हमें यहाँ पर एक नॉच डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और जो पैनल है वो यहाँ पर IPS LCD यूज़ किया गया है, जो कि आई थिंक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं लगा जिन लोगों को टारगेट कर रहा है वीवो, और उस हिसाब से काफ़ी एक अच्छा डिस्प्ले है। लेकिन प्राइस के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि ये जस्टिफाई करता है इसे। इसके अलावा यहाँ पर अगर साइड की आप देखते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और इसी साइड पर हमें यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फास्ट है फिंगरप्रिंट्स, एज सच वीवो के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो वैसे भी अच्छे होते हैं, और यहाँ पर साइड माउंटेड होने की वजह से काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ फ्रंट पे हमें फेस लॉक भी मिल जाता है। सो अगर हम वैसे इस फ़ोन को अगर हम फेस लॉक से इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, सो फेस लॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं।
सो बायोमेट्रिक्स के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिज़ाइन देखते हैं, सो नो डाउट वीवो के जो फ़ोन्स हैं अपने डिज़ाइन की वजह से एक अलग लेवल पे हैं। और आई थिंक कि अगर आप वीवो की बात करते हैं, सो जिस फ़ोन ने इन हैंड फील और हाथ में पकड़े हुए फ़ोन अगर अच्छा लगने वाली बात हो, सो उसको हमेशा से मैं वीवो के फ़ोन ही रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें, काफ़ी स्लिम एंड काफ़ी फिट सा फ़ोन है ये, और काफ़ी एक प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है। अगर आप इसके इन हैंड फील देखें तो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बैक पे कैमराज की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर हमें तो 13 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर के साथ मेन सेंसर आ जाता है, और इसके अलावा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आ जाता है। 1080p 30fps तक की मैक्सिमम बैक से रिकॉर्डिंग करता है। फ्रंट जो कैमरा है वो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, ये कैमरा भी 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इसके अलावा अगर आप नीचे वाली साइड देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक टाइप सी का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, और एक 3.5mm जैक मिल जाता है, एक माइक्रोफोन मिल जाता है। ऊपर यहाँ पर हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें सिम्स की क्या अरेंजमेंट हमें मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट जो सिम ट्रे वो देखने को मिल जाता है, यानी 2 नैनो सिम्स और एक आपको माइक्रो एसडी स्लॉट मिल जाता है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, सो जो प्रोसेसर हमें यहाँ पर इस फ़ोन में मिलता है वो मीडियाटेक का हीलियो P35 है, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस की बात करें, सो परफॉर्मेंस उसकी इतनी कोई खास अच्छी है नहीं है गेमिंग वगैरह में, लेकिन अगर डेली टास्क करने किसी ने जस्ट कंटेंट कंज्यूम करना है थोड़ा बहुत, और बाकी उसे अच्छी बैटरी चाहिए, सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। बैटरी यहाँ पर 5000mAh की हमें मिल जाती है। फ़ोन ओवरऑल अगर आप देखते हैं, सो इन हैंड फील तो फ़ोन की अच्छी है, लेकिन इंटरनली फ़ोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर जो अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो एंड्रॉयड 11 और फ्रंट टच 11.1 के साथ ये आता है। वीवो काफ़ी सारे फीचर्स बैक करता है अपने फ़ोन्स में, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन को देखते हैं, सो इतना स्नैपी नहीं है। 28,000 काफ़ी एक बड़ी प्राइस है, और इस प्राइस कैटेगरी में काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल हम कुछ कह नहीं सकते। जिस मार्केट के लिए ये बनाया गया है उनके लिए काफ़ी एक अच्छी डील है, जिन्होंने जस्ट इसके डिज़ाइन देख के इसे बाय करना है और नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने हैं, सो उसके लिए काफ़ी ये अच्छा फ़ोन है। फ़ोन का जैसे मैंने बताया, बैक पे आपको डुअल कैमराज मिल जाते हैं। सो अगर कैमरा की बात करें, सो कैमरा इसका वही बात है कि नॉर्मल यूज़र है, सो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, वीडियो जस्ट 1080p में मिल जाती है, और पिक्चर क्वालिटी वीवो के फ़ोन्स की अच्छी होती है, और Y20 और Y20S की भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। सो आई एम अज्यूमिंग कि इसकी भी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पर ज़्यादा आपको वो क्वाड कैमरा सेटअप वाले शिशके नहीं दिए गए, लेकिन फ़ोन का अगर एक कैमरा भी अच्छा हो, काम का हो, सो वो आपका हर एक काम कर जाता है। सो कैमरा इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ब्यूटी मोड के टर्न ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फ्रंट पे भी आपको 1080p 30fps मिल जाता है, एंड बैक पे आपको पोर्ट्रेट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और जो कुछ सैंपल मैं इससे लूँगा, वो मैं आपके साथ ऑब्वियसली स्क्रीन पे शेयर करूँगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी लगी। और वीडियो में ऐसा जी इतना कोई ना इसका प्रोसेसर तगड़ा है, ना कैमरा वीडियो के हिसाब से अच्छा है। सो अगर आपने नॉर्मल पिक्चर्स वगैरह के लिए लेना है, सो फ़ोन अच्छा है। अगर बात करें इस फ़ोन के मेरे इनिशियल रिव्यू की, सो फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंटरनली फ़ोन काफ़ी वीक है। अगर आपने छोटी मोटी गेमिंग करनी है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी पबजी वगैरह की बात करें, सो उसमें आपको अच्छे ग्राफिक्स या ज़्यादा FPS वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बैटरी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वही बात है, अगर आपने नॉर्मल गेम्स खेलनी है, एक नॉर्मल यूज़र है, तो देन आपके लिए ये फ़ोन परफेक्ट है। और ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, अच्छी बैटरी मिल जाएगी, एंड दैट्स इट। थिंक सो के 28,000 काफ़ी ज़्यादा हैं इस फ़ोन के लिए आस करना। एक तो ये फ़ोन मेड इन पाकिस्तान है, यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है। सो उस हिसाब से वीवो को थोड़ी सी इसकी प्राइस जो है उसको कम करना चाहिए था, थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए था, क्योंकि एक तो इन पर टैक्सेस भी कम है। सो आई डोंट नो कि इतनी हाई प्राइस क्यों है इसकी। आप ज़रूर बताइएगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन को, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा लोगों के पास होगा। अगर है सो अपना जो ओपिनियन है वो इस फ़ोन के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरा जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको ये फ़ोन वीवो Y21? आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।